Hey everybody, welcome back to Physics Phantom. My name is Manisha and आज मैं आपको जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाली हूँ. अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर साइंस बेसिक साइंस पढ़ना चाहते हैं और उन क्वेश्चन के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर बहुत सारी ऐसी वीडियोज मैंने डाली हुई है और आगे भी मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोज लेकर आने वाली हूँ. सो बिना टाइम वेस्ट किए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा. एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसको शेयर करिएगा. Now, first question is, as you can see on the board, आपको उस गैस का बताना है जो कि बैलून्स में यूज करी जाती है इन द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, हाइड्रोजन के अलावा हम बैलून्स को फिल करने के लिए और कौन सी गैस का यूज कर सकते हैं. सो इसका आंसर है हीलियम, HE इसका सिंबल होता है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 2. ठीक है, मैं ज्यादा लिखूंगी नहीं क्योंकि लिखने से ना चौक की टक टक की आवाज काफी ज्यादा आती है. सो देखिए, हीलियम HE से इसको डिनोट करते हैं, ये इसका सिंबल है. इसका एटॉमिक नंबर 2 है. पीरियोडिक टेबल मतलब कि जो हमारी आवर्त सारणी है उसमें ये सेकंड नंबर पर आती है. इसके अलावा हीलियम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए. जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि ये टेस्टलेस, ऑडरलेस और इसमें कोई, सबसे पहली चीज तो इसमें कोई टेस्ट नहीं होता. ठीक है, दूसरा ये ऑडरलेस मतलब कि इसमें कोई फ्रेग्रेंस या कोई स्मेल नहीं होती है, तो इस टाइप की गैस है. थर्ड पॉइंट इसमें ये है कि ये एक कलरलेस गैस है. सो यू कैन से हीलियम इज अ टेस्टलेस, कलरलेस प्लस ऑडरलेस गैस. ठीक है, इसके अलावा जो हीलियम है ये नॉबल गैसेस के ग्रुप में ग्रुप 18 जो होता है, जैसे हमारी पीरियोडिक टेबल होती है इसमें ये टोटल 7 पीरियड्स होते हैं इस तरीके से और 18 ग्रुप होते हैं. ठीक है, तो जो 18 ग्रुप होते हैं उसमें जो लास्ट ग्रुप होता है यहाँ पे 18, इसके अंदर नॉबल गैसेस को रखा जाता है. और ये हीलियम जो है ये नॉबल गैस है, इसमें लास्ट ग्रुप में इसको रखा जाता है तो ये सबसे नंबर 1 प्लेस पे आती है. सो नॉबल गैसेस के उसमें ये सबसे नंबर 1 पे आती है. कौन सी गैस? हीलियम. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हीलियम के बारे में. इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच लेंस इज यूज टू करेक्ट प्रेस बायोपिया. प्रेस बायोपिया जो है ये आंखों की, हमारी जो आईज है उनका एक डिफेक्ट है जिसको हिंदी में जरा दूर दृष्टिता कहते हैं. इसके अंदर क्या होता है कि हमें जो पास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पास में रखी कोई चीज होती है वो क्लियर वे में दिखाई नहीं देती, मतलब कि उसका दिखना थोड़ा सा कम हो जाता है. ठीक है, प्रेस बायोपिया. अब जो चीज जो पास में रखी वो चीज दिखाई नहीं देती, बेसिकली ये ओल्ड एज में या फिर आईज में जो वीकनेस आ जाती है उन लोगों को ये डिफेक्ट ज्यादा होता है. अब इसमें पूछा गया है कि कौन से लेंस का यूज किया जाता है, तो इसका आंसर है बायफोकल. बायफोकल का यूज किया जाता है प्रेस बायोपिया को करेक्ट करने के लिए, इस डिफेक्ट से को प्रिवेंट करने के लिए. इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है, ह्यूमन नेल्स आर मेड अप ऑफ डैश मटेरियल. ठीक है, जो ह्यूमन नेल्स हैं, हमारे जो हाथों में जो नेल्स हैं या पैरों में जो नेल्स हैं वो किस चीज के बने हुए होते हैं. सो इसका जो आंसर है वो है केराटिन. केराटिन हेयर का भी एक ट्रीटमेंट होता है. सो जो हेयर्स हैं और हमारे नेल्स हैं वो केराटिन से बने हुए हैं. नेल्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है प्रॉपर, उसमें नेल्स के फैक्ट्स हैं, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं. अगर आपको वीडियो देखनी है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा. अब इसमें जो नेल्स हैं ये केराटिन के बने हुए होते हैं. केराटिन एक तरीके का प्रोटीन होता है जो कि डेड सेल से बना हुआ होता है. यही वजह है कि जब हम अपने हेयर्स को और नेल्स को कट करते हैं तो हमें पेन नहीं होता, दर्द नहीं होता. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे. इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डिजीज ऑफ प्लांट इन विच लार्ज येलो सपोर्ट अपीयर्स इन द लीव्स. जैसे हम ह्यूमंस होते हैं ना, हमारे अंदर बहुत सारी डिजीज होती हैं, कुछ बीमारियां होती हैं जो हमें बाहर दिखाई दे जाती हैं. सेम ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी कुछ बीमारियां होती हैं, उनकी लीव्स में कुछ बीमारियां होती हैं, तो उसकी वजह से उनके जो सिम्टम्स है उससे वो हमें बाहर लीव्स पे दिखाई देते हैं. सो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि ऐसी कौन सी डिजीज है जो प्लांट्स को होती है जिसके टाइम पर जो उनकी लीव्स होती है उस पर येलो कलर का सपोर्ट, येलो कलर के मार्क बन जाते हैं. ठीक है, छोटे छोटे या बड़े बड़े धब्बे बन जाते हैं. सो इसका आंसर है बैक्टीरियल ब्लाइट. हिंदी में इसको जीवाणु अंगमारी भी कहते हैं, इस बीमारी को. ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन स्पिनच कंप्रोमाइज एंड द अबंडेंस ऑफ. ठीक है, जो ग्रीन स्पिनच मतलब कि जो पालक होता है उसके अंदर क्या चीज प्रचुर मात्रा में पाई जाती है. तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये जो इसमें अगर मेनली जो आपको पता होना चाहिए तो इसमें हमारे पास 3 विटामिन्स या विटामिन्स प्रेजेंट होती हैं, A, B और C. ये 3 जो विटामिन्स हैं ग्रीन स्पिनच में प्रचुर मात्रा में ये पाई जाती हैं. इसके अलावा विटामिन्स के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को बहुत अच्छे से डीप में एक्सप्लेन किया हुआ है. अगर आपको वीडियो देखनी है तो उसका लिंक आपको यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज वीडियो को देखिएगा और अगर अच्छी लगती है वीडियो तो उसको लाइक भी करिएगा.
इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है, विच हाइड्रोकार्बन आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एलपीजी। सबसे पहली चीज कि एलपीजी क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, जिसको हिंदी में कहते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। अभी जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है ना, इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिप्लेस किया हुआ है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है, ये सीएफसी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ठीक है। ये जो गैसेस जैसे हमारे एसीएफ फ्रिज है, जिसकी वजह से क्लोरोफ्लोरो इसमें से जो गैस निकलती है नियॉन गैस, उसकी वजह से क्या है, ओजोन लेयर ना इफेक्ट डाल रही है, ओजोन लेयर में होल हो गया, ऐसा सुना होगा आपने। तो जो ओजोन लेयर है उसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बहुत ज्यादा डैमेज करता था, इसके वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह हमने एलपीजी को रिप्लेस किया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ में। तो ओजोन लेयर क्या है, अर्थ की सरफेस पे एक लेयर है जो कि हमें सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। O3 उसका सिंबल होता है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इफ यू वांट यू कैन राइट, ठीक है। सो इसका जो आंसर है, हाइड्रोकार्बन जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है एलपीजी के, वो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और इसका जो आंसर है वो होगा ब्यूटेन एंड प्रोपेन, ठीक है। इसका आंसर है ब्यूटेन एंड प्रोपेन। तो जो मेन जो दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं हाइड्रोकार्बन के, वो है ब्यूटेन एंड प्रोपेन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।